हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं गणित की। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले तो संख्याएं क्या होती हैं, और फिर उसके ये कई रूप होते हैं संख्याओं के, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या संख्याएं होती हैं और कैसे क्या सब ये चलता है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, बहुत समय पहले किसी चीज़ को गिनने के लिए कोई अंक थे नहीं हमारे पास। ऐसे ही हम बोल देते थे कि मान लो एक पेन है मेरे पास, तो बस एक है, इसके आगे कोई संख्याएं एक्चुअल में थी नहीं। फिर धीरे धीरे इन संख्याओं को बोले एक जैसी दो चीज़ें हैं, इनको क्या कहा जाएगा, या एक से जैसी कई सारी चीज़ें हैं, इनको क्या कहा जाएगा। तो इसी तरीके से ये अंक बनाए गए हैं, जिन अंकों को हम लोग जानते हैं हमेशा से, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये जो नंबर्स हैं इनको संख्याएं या अंक कहा जाता है, और इनकी ही सहायता से हम बाकी चीज़ों की काउंटिंग या गिनती करते हैं। पर असल में देखा जाए तो इन अंकों के भी कई प्रकार हैं। जैसे पहला तो होता है नेचुरल नंबर, जिसको प्राकृतिक संख्या भी कहा जाता है। तो ये क्या होते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है, जो भी नॉर्मल आपको नंबर्स उनके दिमाग में संख्याएं आती हैं वो नेचुरल नंबर है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये जाती हैं इन्फिनिटी तक। अब शुरुआत में अंक 9 तक ही थे, 1 से लेके 9 तक। अगर हमें किसी चीज़ को गिनना है, मान लो 9 से आगे, तो उसको 1 से 9 का 1 कह दिया जाता था, या फिर 1 से 9 के 2 कह दिए जाते थे, 1 से 9 के 9 कह दिए जाते थे। इस तरीके से संख्याएं आगे बढ़ती थी। पर बाद में क्या हुआ, हमारे आर्यभट्ट साहब ने जब जीरो की खोज की, तो हम लोगों ने नंबर को एक नया नाम दिया, उसको कहते हैं होल नंबर। अब होल नंबर क्या है, तो सिंपली होल नंबर है जब इन्हीं संख्याओं में हम जीरो को जोड़ देते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और इन्फिनिटी तक, तो ये कहलाते हैं होल नंबर। इसके बाद आपके आ जाते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है क्या है, तो नंबर लाइन जो होती है उसमें जितने पॉजिटिव नंबर होते हैं उतने ही नेगेटिव नंबर भी होते हैं। तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को एक साथ हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। अगर हम किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हैं तो हमने पॉजिटिव गेन किया, पर अगर हम उसके अंदर जा रहे हैं तलहटी के अंदर, तो हम माइनस में जाएंगे। और इन्हीं सब नंबरों के ग्रुप को एक साथ इंटीजर्स कहा जाता है। अब इंटीजर्स के बाद हमारे आते हैं सम संख्याएं और विषम संख्याएं। तो सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं सिंपल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, यानी 2 की टेबल को हम बढ़ाते चले जाएंगे तो हमें सम संख्याएं मिलती चली जाएंगी। विषम संख्याएं, इनके अलावा सभी संख्याएं विषम होती हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरीके की सभी संख्याएं इनफिनाइट तक विषम संख्याएं कहलाती हैं। फिर आपके आते हैं कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। अभी कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो कंपोजिट नंबर होते हैं ऐसी संख्याएं जो किसी ना किसी से कटती हैं। जैसे 14, तो 14 2 से कटता है, 7 से कटता है, 1 से कटता है, और 14 से भी कटता है, तो ये कहलाएगी एक कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या। 12, 12 2 से कटता है, 6 से कटता है, 3 से कटता है, 12 से कटता है, और 1 से कटता है, तो ये भी कहलाएगी एक भाज्य संख्या। पर कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ खुद से कटती हैं, जैसे 13, ये केवल 13 से जाती है या 1 से। जैसे 5, ये केवल 5 से कटती है या 1 से। जैसे 3, ये केवल 3 से कटती है या 1 से। तो इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं जो सिर्फ अपने आप से कटें या एक से कटें, तो ऐसी संख्याओं को प्राइम नंबर कहा जाता है। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। अब इसके बाद बात आती है रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर हैं परिमेय संख्याएं, जिन संख्याओं को पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याओं को एक अलग से एक टॉपिक बनाया जा सकता है, उसको अलग से कवर करेंगे। अभी केवल ये समझ लें कि जिन संख्याओं को पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उनको रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं कहते हैं। इसमें क्यू की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होती है, क्योंकि अगर हम किसी संख्या के अपॉन में ज़ीरो करेंगे तो इसका मान नहीं निकलेगा या इन्फिनिटी हो जाएगा।
तो ये हैं सिंपल नंबर्स या नंबर सिस्टम के बारे में। इसके अलावा हम लोग पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्याएं। अब ये अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p अपॉन q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे रूट टू, रूट थ्री। इसी तरीके की संख्याएं सभी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं। अब ये पूर्ववर्ती अनुवर्ती क्या होती हैं या सक्सेसर प्रेडेसेसर क्या होती हैं, तो अब हम लोग बात करते हैं उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं के बारे में। तो उत्तरवर्ती संख्याएं जो होती हैं, अगर हम किसी भी संख्या में प्लस वन कर दें तो ये कहलाएगी उसकी उत्तरवर्ती संख्या, और इसी संख्या में अगर हम माइनस वन कर दें तो ये कहलाएगी इसकी पूर्ववर्ती संख्या। अनुवर्ती या उत्तरवर्ती, पूर्ववर्ती, यानी इसको हम सक्सेसर बोल सकते हैं, इसको प्रेडिसेसर बोल सकते हैं। तो ये था आप लोगों के सामने नंबर सिस्टम। किसी भी नंबर्स की शुरुआत या गणित की शुरुआत इन्हीं सब चीज़ों से होती है। और अगर आप गणित में महारत हासिल करना चाहते हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं या और भी ऐसी चीज़ें किसी बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो बेसिक की शुरुआत इसी से कीजिए। और हम लोग अपने चैनल में या आप सभी के चैनल में इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम सभी मिलकर, कि आप लोगों को अच्छे से अच्छी बातों का पता चले और कौन चीज़ कहाँ से शुरुआत हुई है उसके ओरिजिन के बारे में मालूम चले और कैसे उसको यूज़ करना है डेली लाइफ में। बहुत से लोग कहते हैं कि ज़्यादा गणित का डेली लाइफ में यूज़ नहीं है या विज्ञान का डेली लाइफ में यूज़ नहीं है, तो ये मुझसे आप लिख के ले सकते हैं कि जितनी भी एजुकेशन होती है कभी वो वेस्ट नहीं होती। अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं काम आएगा, और यही हमारे चैनल का मेन एम भी है कि यहाँ आइए सीखिए और यहाँ से जाइए तो दूसरों को भी सिखाइए। कम टू लर्न, गो टू सर्व। जो यहाँ आपने सीखा है अगर आप दूसरों को भी सिखाएंगे तो वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए रहेगा, क्योंकि ज्ञान ही ऐसी दौलत है जो कि बांटने से बढ़ती है। तो ये था हमारा गणित के टॉपिक पर वीडियो, और अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो, कोई डाउट हो या कुछ मैं गलत बोल गया हूँ, तो उस चीज़ को आप लोग कमेंट बॉक्स में बता के हमको क्लियर कर सकते हैं, और आगे से हम लोग कोशिश करेंगे कि और अच्छी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आप चेंजेस चाहते हैं, जिस स्पेशल टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, हम लोगों से बताइए, हम आपको उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो प्रोवाइड कराएँगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।